रहमान रहीम, वेलकम वेलकम करते हैं किचन में, बिजी बेबे के किचन में वेलकम करते हैं। तो हम आ चुके हैं फ़िश बनाने के लिए, फ़िश का सालन बनाते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। बिजी बेबे अपने चैनल पे वेलकम करती है, हंसो और हंसाते रहो, इसी का नाम है खूबसूरत ज़िंदगी। टेस्टी मज़े का झटपट बनने वाला फ़िश कीमा पहले भी मैं बना चुकी हूँ, ये मैं घर वालों की फरमाइश पे, जिस जिसने खाया है दोबारा सब ने फरमाइश की है, आज बनाते हैं कल बनाते हैं। इस तरह से लाइफ बिजी बिजी जा रही थी, आज टाइम निकाला है आपके साथ भी दोबारा शेयर करते हैं कंप्लीट। देखें टेस्टी सर्दियों की सौगात, आयरन से भरपूर फिश का कीमा सालन। कीमे का सालन मैं बनाने आई हूँ, तो बहुत मज़े का और टेस्टी बनता है। कोशिश करें बड़ी बड़े कांटे वाली फिश लें, ताकि निकालने में इजी हो। छोटे कांटे वाली फिश का कीमा मत बनाना, मुश्किल हो जाता है, ये मेरे ज़ाती तजर्बे है। तो बन तो जाता है, टेस्टी भी होता है, कांटे निकालना मुश्किल हो जाता है। मेरे पास से प्याज ज़रा ज़्यादा ऐड करते हैं, तो ये ऑयल गर्म हो चुका है, पहले मैं ये काम कर लूँ। ये दो इसमें लाल प्याज चले गए हैं, तकरीबन फिश मेरे पास 3 पाव है। फिश को मसाला लगा के रखा था, फ्राई भी की जा सकती है, इसके लिए सालन भी बनाया जा सकता है। तो मैं लहसुन अदरक नहीं, मैं फिश में सिर्फ लहसुन ही ऐड करती हूँ। मेरे पास जैसे मैंने कहा है ना, ये फरमाइश पे फ़िश कीमा दोबारा बनाया जा रहा है, बहुत मज़े का टेस्टी बनता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कंप्लीट देखें बीजी बेबे के ब्लॉग को, फॉलो करें बीजी बेबे के कुकिंग को। ये इसमें मसाला कंप्लीट है, ये जो हम ग्रेवी बना रहे हैं प्याज लहसुन वगैरह दही वो ऐड करें, उसके लिए मैंने थोड़ा थोड़ा ऐड किया है। कोशिश करें पहले कम डालें, ज़्यादा हो जाए तो मुश्किल होती है, कम होगा तो और ऐड कर लेंगे, नहीं है तो मजबूरी है। कोशिश करें दही ऐड करें, वरना टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फेंट के भी डाल सकते हैं, वैसे भी हमारी काफ़ी नरम है। मैंने एक कटोरी पूरी डाल दी, ताकि खट्टापन हो करारापन होगा तो अच्छी टेस्टी बनेगी हमारा फिश का कीमा। हमारी रेसिपी है कीमा फिश का, जो बहुत मज़े का टेस्टी बनता है। ये मिसालें हम ऐड कर रहे हैं इसमें। मेरे बस मेरे व्लॉग में आपको देखने को मिल रहा है, आजकल मेरी बेटी की शादी की तैयारियां और साथ साथ कुकिंग भी आ जाती है, और मेरे बेटे को तकलीफ़ है, उसके लिए भी आप दुआ करें, वो भी हॉस्पिटल में आना जाना सिलसिला, तो तकलीफ़ कोई बात नहीं, आए और चली जाए, दुआ करें। मछली का कीमा और चटनी रेडी हो चुके हैं, ये चीज़ें एंड पे ऐड करेंगे। तो ये हमारा मछली के कीमे का मसाला फ्राई हो चुका है, भुन चुका है, तो इसको डाल के मैंने क्या करना है, बिल्कुल हल्की धीमी आंच और ढकना लगाते हैं, ये सारे नरम हो जाएंगे इसमें, जिस तरह से भी ये नरम हो के हम इसकी भुनाई करेंगे, किस तरह से कांटा निकालना है, किस तरह से भुनाई करना है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। थोड़ा इंतज़ार करें, तभी वापस आ, इसलिए मैं कहती हूँ साथ रहे, साथ साथ बर्तन क्लीन करते जाएं, कितना सुकून है। ये भी टेंशन नहीं है, हाय बेसन में बर्तन रखे हैं, वाश करने हैं, चूल्हे पे खिल रहे हुए हैं, काम को अपना बचाना है, टेंशन कम करनी है, तो साथ साथ बर्तन सही पे लगाते जाएं, वाश करते जाएं। मेरी बस जैसे मैं कह रही थी, दुख तो ज़िंदगी का हिस्सा है, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करें, बड़े सदमों से बचाए, दी हुई नेमते रहमते बख्श दे। कम्प्लीट ब्लॉग शेयर करूँगी अपने बेटे की सेहत के मुतालिक, जो भी है डिटेल आपके साथ। 10 मिनट के बाद, क्योंकि दही है 20 मिनट और बच्चे के शुक्र की जैसे चिपकी नहीं है, मुझे काफ़ी वहम हो गया था। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें इनके पीस, तो इस तरह से ये देखें साथ अब मुझे रहना पड़ेगा। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है,
ये देखें कैसे दिल करता है ऐसे उठा के खा ले, बहुत भूख लगी है। जिस तरह से ये कांटे वगैरह निकालते हैं, सेट करते हैं, बस कुछ भी नहीं करना है इसको, खुद ब खुद ये देखें बड़ी बड़े कांटा जो है ना अलग होता जा रहा है। हम इसको साइड पे निकालते जाएंगे। इस अच्छी सी कुकिंग के साथ, रेसिपी के साथ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ज़रूर बनाएं। सर्दियां हैं, एंजॉय करें। सब काम इजी होता है, बीजी बेबे के साथ रहें, किचन में रहें तो आपका आपकी कुकिंग आसान हो जाएगी। मैं भी चूल्हा बंद करती हूँ, आराम से हवा लगने के बाद सारे कांटे निकाल लूँगी, फिर मैं भुनाई कर लूँगी ये चीज़ें डाल के। मेरा सालन, मेरा कीमा, फिश कीमा रेडी हो जाएगा। कीमे के साथ अपनी अच्छी सी टेस्टी रेसिपी के साथ ये साथ चटनी भी लगेगी, जिससे टेस्ट और मज़े का होगा। देखिए मेरे व्यूअर्स, सारे कांटे निकल चुके हैं माशाल्लाह, मज़े का टेस्टी सालन। मज़ीद इसको थोड़ा गरम भी करते हैं, भुनाई भी करते हैं हल्की सी, और खुशबू और टेस्ट के लिए ये चीज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह इस साइड में एग बॉयल हो रहा था, बड़ा थोड़ी इस तक कर दे, एंड पे अच्छी सी भगार देने के लिए कसूरी मेथी, चाट मसाला, गरम मसाला। माशाल्लाह, आप भी बनाएं, फॉलो करें बीजी बेबे की रेसिपी को। आप भी हमारे साथ किचन में रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे गुलाब देखने का, रेसिपी देखने का, बीजी बेबे को फॉलो करने का। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मेरे परवरदिगार की। अजानें भी मगरिब की हो रही है, नमाज पढ़ते हैं, खाना रेडी हो चुका है, अभी भूख नहीं है, थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।